अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ये एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा लेट डिसाइड हुआ कि आज के सेशन में फिर प्रेजेंटेशन एटलीस्ट कंटिन्यू कर दी जाए, तो उसके लिए माजरत। वैसे इसकी हम रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो मैम GCR पे अवेलेबल कर देंगी। और एक डिस्क्लेमर के हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपनी कॉन्सेंट दे रहे हैं कि ये जो सेशन है रिकॉर्ड कर लिया जाए, और उसके दौरान अगर आप कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो उसकी भी रिकॉर्डिंग जाहिर है वो बीच में इंक्लूड हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो है पेपर प्रेजेंटेशन, जिसके जो मतलब जो असाइनमेंट हुई हुई है वो मुझे और मैम सरवत हैं। हम दोनों PhD स्कॉलर हैं साइबर सिक्योरिटी के, और हम इस ना सिर्फ क्लास की जो पेपर प्रेजेंटेशन की आज की एक्टिविटी है इसको गो थ्रू करेंगे, बल्कि उसके अलावा जो जो असाइनमेंट है उसके हवाले से भी जो सुपरविजन की एक्टिविटीज़ है या गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करनी है उस हद तक जिस हद तक हमें नॉलेज होगी वो इंशाल्लाह हम अपनी हतुल मकदूर कोशिश करेंगे कि आपको इस हवाले से अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। तो आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। तो आज का जो पेपर अंडर रिव्यू है वो है ट्राइड्रॉइड, A Triage and Classification Framework for Fast Detection of Mobile Threats in Android Markets. तो शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर। इसके जो ऑथर्स हैं ये 5 ऑथर हैं, इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशन है, जिसमें से जो 2 ऑथर हैं वो अल्जीरिया के हैं, एक कैनेडा से ताल्लुक रखते हैं और एक का ताल्लुक सऊदी अरेबिया की किंग सऊद यूनिवर्सिटी से है। ये पेपर जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका नाम है जर्नल ऑफ एम्बियंट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग। इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो 2019 का है वो 4.5 है, जबकि 5-year इम्पैक्ट फैक्टर जो है इसका 3.3 था। ये पेपर नॉर्मली 75 डेज लेता है आपका फर्स्ट डिसीजन के ऊपर कि आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और इसके बाद जाहिर है वो माइनर रिवर्क वगैरह आते रहते हैं। तो टोटल जो टाइम होता है यूजुअली इसका वो एवरेज 171 डेज है, और ये इस URL के ऊपर आप इस जर्नल के बारे में फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने पेपर के या आज की जो सेशन है उसके हवाले से। तो ये हमारा जो है ना सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन होगा, जिसके अंदर हम इस पेपर की हायरार्की के अकॉर्डिंगली आपके सामने इस पेपर की डिटेल्स को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें हमने डिसाइड ये किया है कि इनिशियली जो पहले 3 सेक्शन है उनको मैं लेके चलूंगा, और उसके बाद फिर मैम सर्वर जो है वो ज्वाइन इन कर लेंगी और अगले 3 सेक्शंस को वो लेके चलेंगी। अच्छा, इसके हवाले से ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर जाहिर है बिल्कुल आप लोगों का हक है और हम लोगों का फर्ज है कि हम उनको आंसर करें, लेकिन इसके हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो अपने क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा होल्ड कर लें। बिकॉज अक्सर क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो आप अभी पूछते हैं वो अगली किसी न किसी स्लाइड में आ ही रहा होता है, तो नॉर्मली आंसर हो जाता है। तो इसके लिए मेरी सजेशन होगी कि आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, और अगर तो ड्यूरिंग द सेशन वो उसका आंसर आपको नहीं मिलता तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप फिर आराम से क्वेश्चन हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और होपफुली उम्मीद है कि जाहिर आप सब लोगों ने ही पेपर पढ़ा ही होगा और उसके बाद आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वो क्यूरीज वगैरह का आंसर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही मिल जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंड्रॉयड जो है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, और चूंकि एक बड़ा मेजर चंक ऑफ द स्मार्टफोन यूजर जो है वो एंड्रॉयड बेस्ड है, उसकी वजह से जाहिर है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर डेवलपर्स भी जो है वो इस बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहे होते हैं। अब वो जब बना रहे होते हैं तो उसको डिफरेंट एंड्रॉयड की मार्केट प्लेसेस के ऊपर सबमिट भी करवाते हैं, जैसा कि जो सबसे मशहूर एंड्रॉयड की मार्केट प्लेस है वो है गूगल प्ले स्टोर। तो जब वहाँ पे कोई डेवलपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाता है तो उस एप्लीकेशन को चेक किया जाता है कि ये कोई मिलिशियस एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं करेगी यूजर के मोबाइल के ऊपर, सो कोई डाटा वगैरह तो ग्रैस्प ना कर ले, कोई और इस तरह की एक्टिविटी ना परफॉर्म कर ले। तो इसके हवाले से जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं कि जब भी कोई नई ऐप या किसी पुरानी ऐप का अपडेट उनके साथ शेयर किया जाता है डेवलपर की तरफ से तो उसको प्रॉपर चेक करती हैं। इस चेक करने का जो यूजुअल सिस्टम होता है वो एक फाइफो क्यू होती है कि जूं सबमिशन हो रही होती है ऐप्स की या उनकी अपडेट्स की, तो वो एक क्यू में जाती हैं
और उस क्यू के आगे फिर उनका एक पूरा एल्गोरिदम और एक प्रोसेस चल रहा होता है उस मार्केट प्लेस का, जो कि उस एप्लीकेशन को जो कि सबमिट की गई होती है उसको डिफरेंट हवालों से टेस्ट करता है ये चेक करने के लिए कि ये एप्लीकेशन कोई मलिशियस एक्टिविटी तो का मतलब नहीं परफॉर्म करेगी, और अगर वो वहां से क्लियर हो जाती है तब उसको पब्लिश किया जाता है फॉर जनरल पर्सन के लिए, पब्लिक के लिए। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये है उसका एक फ्लो चार्ट आप कह लें कि सबसे पहले जो ऐप होती है उसको किया जाता है सबमिट किया जाता है मार्केट प्लेस पे ऐप डेवलपर की तरफ से, और उसके बाद उसकी एक क्यू में वो उसको साइन कर दिया जाता है। वो क्यू जो होती है वो उन एप्लीकेशंस की होती है जो कि सबमिट हुई होती है फॉर मलिशियस एक्टिविटी चेकिंग के लिए, और उसके बाद नॉर्मली जो होता है सबसे पहले तो उसके ऊपर कोड और परमिशन का एनालिसिस होता है, इसको आप स्टैटिक एनालिसिस भी कह सकते हैं कि उस ऐप एपीके का जो एपीके फॉर्मेट में वो ऐप सबमिट होती है उसका स्टैटिक एनालिसिस किया जाता है, और गूगल प्ले स्टोर और कुछ अच्छी दूसरी जो मार्केट प्लेसेस हैं वो अगर वो कोड और परमिशन एनालिसिस को अगर वो एपीके पास कर जाती है तो उसके बाद वो डायनेमिक एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, डायनेमिक एनालिसिस में क्या होता है कि वो ऐप को रन करके देखते हैं कि रन करने के बाद कोई मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही, अगर ये दोनों टेस्ट पास हो जाए तो उस ऐप को जनरल पब्लिक के यूजेज के लिए डाउनलोड के लिए पब्लिश कर दिया जाता है, और अगर इसमें से कोई भी एक टेस्ट फेल हो जाए तो उस ऐप को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल एक प्रोसेस था ऐप की सबमिशन से लेके उसकी पब्लिशिंग तक का। तो अब जो नॉर्मल एक्टिविटी जो प्रोसेस चल रहा था इसके अंदर जब भी एक ऐप सबमिट होती थी उसको एक फाइफो क्यू के अंदर एड अप कर दिया जाता था, और उसके बाद जितनी ऐप सबमिट हुई होती थी वो वन बाय वन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की फॉर्मेट में एनालिसिस होता था उनका। लेकिन इन जो ऑथर से इन्होंने रिसर्च करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि एक छोटा सा गैप है कि जितनी भी जो एप्स हैं उनको सेम प्रायोरिटी मिलती है उस क्यू के अंदर, तो ऐसी एप्स जिनके अंदर कोई चांस नहीं होता किसी किस्म की मलिशियस एक्टिविटी का, बसा होगा तो उनको अच्छा खासा वेट करना पड़ता है और उसके बाद उनकी बारी आती है पब्लिश होने के लिए। और इसी तरह से जो मलिशियस किस्म की एप्स होती हैं उनका और इनके दरमियान कोई तफावत नहीं बरता जाता, कोई फर्क नहीं रवा रखा जाता। तो इस हवाले से उन्होंने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना इससे पहले कि उन एप्स को एक स्टैंडर्ड फाइफो क्यू में डाल दिया जाए उससे पहले उनको थोड़ा सा एक अर्जेंट किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करके उनकी थोड़ी सी कैटेगराइजेशन कर दी जाए, और ऐसी ऐप जिनके ऊपर आपको पहले से ही शक गुजरे कि ये थोड़ी सी मलिशियस हो सकती हैं उनको आप एक अलग क्यू में डाल दें जिनके ऊपर जरा अच्छी तरह से गौर फिक्र किया जाए, और जो सीम्स बिनाइन ऐप्स हैं यानी कि जो लग रहा है कि इनके अंदर चूंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नजर नहीं आ रही वो ठीक ही लग रही हैं उनको दूसरी क्यू में डाल दिया जाए। तो इस कंसेप्ट को सामने रखते हुए उन्होंने एक ट्राइड राइड के नाम से एक आप कह लें एक आइडिया प्रेजेंट किया, एक पूरा प्रोसेस फ्लो प्रेजेंट किया जिसका काम ये है कि वो बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस के मुकाबले में क्लासिफिकेशन कर लेता है पहले से ही कि आप सबसे पहले उस ऐप को जो सबमिट हुई है उसको क्लासिफाई कर दें इन सम कैटेगरीज, ठीक है, और उसके बाद उसको फिर सबमिट करवा दें अलग 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 क्यूज में, जिन ऐप पे आपको शक पड़ रहा है कि ये ठीक नहीं है उनको एक अलग क्यू में एक अलग कैटेगरी में डाल दें, और जिन पे आपको शक नहीं है यानी कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ऐप लग रही है इनको आप अलग से क्लासिफाई कर दें। इसके लिए उन्होंने थ्री क्लासिफिकेशंस जो हैं वो डिवाइस की, एक थी बॉटनेट की, एक थी मेलवेयर की, और एक थी क्लीन की, यानी कि जब भी उनके इस प्रोसेस को ट्राइड राइट को जब भी कोई एपीके सबमिट होती है तो उसको अपना प्रोसेस रन करने के बाद उसको तीन क्लासेस में से किसी एक क्लास में डाल देता है, चाहे बॉटनेट वाली में या मेलवेयर वाली में या क्लीन एप्लीकेशन की लिस्ट में, और वो क्लासिफिकेशन करने के लिए वो डिफरेंट तरह के मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है ये आगे जाकर हम जब उसकी इंप्लीमेंटेशन वाली एरिया में आएंगे तो हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, इतनी डिटेल में नहीं करेंगे लेकिन जनरली उसका ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पेपर का दूसरा सेक्शन था वो था रिलेटेड वर्क का। रिलेटेड वर्क में उन्होंने हमें मतलब एक्सप्लेन किया है कि इस तरह के और क्या क्या काम हो रहे हैं इन एप्लीकेशन में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि ये एप्लीकेशन जो सबमिट की गई है वो मलिशियस है या नहीं। तो एंड्रॉइड की मैलवेयर डिटेक्शन के लिए जो मेजर तीन एस्पेक्ट या तीन मेथड यूज होते हैं वो होते हैं स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस और हाइब्रिड अप्रोच। स्टैटिक एनालिसिस में होता है कि जो एप्लीकेशन है उसको रन किए बगैर
जस्ट उसका उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर से जो उसके डिफरेंट फीचर हैं, परमिशन है, उसके अंदर जो पोर्ट है, जो उसके अंदर एपी डीएलएस डली हुई हैं, जो कॉल्स हैं उसकी, उन सब का एनालिसिस करके ये देखा जाता है कि ये जो पूरा इसका कोड और ये सारी बिहेवियर है और सारी परमिशन हैं, ये मलिशियस साइट पे तो नहीं है। ठीक है, डायनेमिक एनालिसिस में क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन को एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन किया जाता है, वो रन करने के बाद देखा जाता है कि ये एप्लीकेशन जब रन होती है तो ये किसी किस्म की मोबाइल फोन में मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश तो नहीं करती, अगर करती है तो उसको फिर साइड पे कर दिया जाता है, मलिशियस डिक्लेयर कर दिया जाता है, और अगर वो ठीक चल रही होती है जिस काम के लिए वो बनी हुई है, जिस काम के लिए वो पोज कर रही होती है कि मेरा ये काम है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर है तो सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहा है, तो उसको फिर वो क्लीन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और हाइब्रिड में क्या होता है कि ये दोनों अप्रोच वर्क करती है, कि सबसे पहले स्टैटिक एनालिसिस होता है और जो एपी की स्टैटिक एनालिसिस को पास कर लेती है उसको फिर डायनामिकली रन करके देखा जाता है कि अब इसका रनिंग टाइम पे तो कोई मलिशियस बिहेवियर सामने नहीं आ रहा। तो इस हवाले से जो एएमडी के जो मेजर मेथड्स हैं वो ये तीन आपके सामने नजर आ रहे हैं और यही इस पेपर में एक्सप्लेन किए गए हैं। ये अपनी अपनी जगह पूरे पूरे मेथड हैं, इनका सिर्फ मैं आपको एक लाइन में समरी ही कह सकता हूँ कि जो मिर्ज़ाई एट ऑल वाले हैं, इन्होंने ट्राईफ्लो नाम का एक प्रोसेस बनाया था जो कि स्टैटिक एनालिसिस के ऊपर काम कर रहा होता है। इसी तरह जो सेकंड पेपर वाले हैं, इन्होंने ड्रॉइड सर्च का नाम दिया था जो कि एक सर्च इंजन की बेस पे काम करता है, कि जब आप इसके अंदर कोई भी चीज सबमिट करते हैं तो उसके जो मैनिफेस्ट फाइल होती है, डेक्स फाइल होती है, उसी तरह की दूसरी फाइल्स होती है पीके पे, उनके ऊपर एनालिसिस करता है और ये भी स्ट्रेटेजिकली ही काम कर रहा होता है। और जो थर्ड है, थर्ड जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी ट्राइज के नाम से है और ये स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम लगाकर उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है कि ये मलिशियस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली ऐप तो नहीं है। इनकी डिटेल जो है वो इस पेपर के आखिर में लिंक दिया हुआ है और इनके ऊपर पूरे पूरे पेपर्स हैं, वहां से आप इसको मतलब डिटेल में देख सकते हैं। ये एंड्रॉयड की एक ऐप का स्ट्रक्चर है। एंड्रॉयड का जो पैकेज होता है, एपी के फाइल होती है, वो एक तरह की समझ लें जिप फाइल होती है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के फोल्डर और डिफरेंट तरह की फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, और उसके अंदर उसका कोड, उसकी परमिशन, उसके अंदर जो लाइब्रेरीज कॉल हो रही हैं उनके हवाले से डिटेल, और उसके अंदर रिसोर्सेज हैं, ग्राफिक्स हैं, तो और उस तरह की जो मल्टी मीडिया की फाइल है, वो जो आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं उसके शुरू में उसका जो इंट्रोडक्टरी किस्म का वो जो बैनर कह लें या लोगो शोगो आता है, वो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से वो जो एपी की फाइल होती है ना, वो एक तरह की जिप फाइल होती है जो कि इन सारी चीज़ों को होल्ड कर रही होती है। तो जो स्टैटिक एनालिसिस होता है वो भी इन्हीं सब फाइल्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है कि वो इसको काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट करता है इसके अंदर से ये वाली फाइल्स, और उसके बाद उनको चेक करता है, और चेक करने के बाद देखता है कि ये किसी तरह की कोई मलिशियस किस्म की एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं कर रही। इसके बाद इस पेपर के ऑथर ने बड़ा कंप्रीहेंसिवली बताया कि इस काम के लिए, इस काम से मुराद ये कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द APKs हैं, एंड्रॉयड के जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर किस किस रिसर्चर ने किस किस ईयर में क्या क्या काम किया इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, और उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक यूज की। ठीक है, तो ये पेपर के अंदर ही ये टेबल दिया हुआ है और यही टेबल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये कंपैरिजन शो करने पिछली हिस्ट्री शो करने के बाद कि और किस किस ने इस हवाले से काम किया हुआ है, उसके बाद अब ये जो ऑथर हैं ये अपना जो पेश करदा प्रोसेस है वो इन्होंने डिस्कस किया है थर्ड सेक्शन ऑफ द पेपर में, जिसका नाम है ट्राइड्राइट। तो ट्राइड्राइट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेटा सेट लिया, एक डेटा सेट से मुराद ये कलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ली जिसके अंदर बॉटनेट वाली एप्स भी थी, यानी कि मलिशियस ऐप भी थी जो कि बॉटनेट का काम कर रही होती थी। बॉटनेट आप सब लोग जानते ही हैं, जो लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड गाइस हैं, जिन लोगों को नहीं आइडिया, चूंकि हमारे पेपर का इस वक्त फोकस सिक्योरिटी की डिटेल्स पे जाना नहीं है, तो वो अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे बॉटनेट तो वो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मेलवेयर एप्स, ऐसी बाकी दीगर तमाम मलिशियस ऐप जो कि बॉटनेट नहीं है, उसके अलावा कोई और मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, वो मेलवेयर वाली एप्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। और लेजिटिमेट एप्स, उन्होंने उन एप्स को कहा जो कि इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, वो क्लीन एप्स हैं, वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने क्लासिफाई किया, ट्राईएज ने उन ऐप को मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन उन्होंने की और इसको तीन क्लासेस में डिफाइन कर दिया। पहली क्लास थी बॉटनेट की, दूसरी क्लास थी मेलवेयर की, और तीसरी थी लेजिटिमेट ऐप की। तो वो हर ऐप जो इस डेटा सेट के अंदर थी वो उसको एनालाइज करते थे, एनालाइज करने के बाद उसको तीन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में डाल देते थे बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ दैट एनालिसिस। ठीक है,
और जो एनालिसिस की उन्होंने टाइप सेलेक्ट की वो सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस था, डायनामिक एनालिसिस पे, यानी कि उस एप्लीकेशन को रन करके उसका बिहेवियर देखने की तरफ वो लोग नहीं गए, उन्होंने इसको स्टैटिकली ही लेके चले के उसके जो एपीके फाइल थी उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर सिर्फ फीचर है उनको स्टडी किया और उसकी बेस पे उन्होंने आइडिया लगाया कि ये ऐप इन तीनों कैटेगरी में से कहाँ फॉल करती है, बॉटनेट है, मेलवेयर है या लेजिटिमेट है। इसके लिए जो टेक्निक उन्होंने यूज की वो एसोसिएशन रूल माइनिंग की थी और मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन के इन्होंने कुछ एल्गोरिथम वगैरह यूज किया। अच्छा, ये उनका आर्किटेक्चर था कि ये उसी तरह का आर्किटेक्चर है जिस तरह का मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट बताया था। इसमें यहाँ पर ये देखें आ रहा है कि आपके पास एक बंच ऑफ द एप्लीकेशन है जो कि आपने प्रोसेस करनी है, ठीक है, जिसमें जनरल मेलवेयर्स भी हैं, बॉटनेट वाले मेलवेयर्स भी हैं और बिनाइन एप्स भी हैं, नॉर्मल एप्स भी हैं जो क्लीन है, उनको प्रोसेसिंग के लिए सबमिट करवाया जाता है। जब वो सबमिट होती हैं तो ये जो ट्राइड्रॉइड है ये उसके अंदर से उसका डेक्स बाइट को, जो कि मैंने भी आपको पहले आर्किटेक्चर वाली स्लाइड में दिखाया था, उस फाइल को और एंड्रॉइड के मैनिफेस्ट वाली फाइल को जो कि XML फॉर्मेट में होती है, इन दोनों को निकाल लेती है, ठीक है, उस एपीके में से, और उसके ऊपर इसके दो तरह के फीचर एनालिसिस करती है, जो डेक्स बाइट कोड होता है उसके ऊपर भी एनालाइज होता है अलग से, और इसी तरह से जो आपका मैनिफेस्ट फाइल है उसमें से परमिशंस वगैरह की चीजें निकाल के उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और इसके बाद वो जो डिफरेंट इन्होंने क्लासिफिकेशन के मॉडल यूज किए हैं मशीन लर्निंग के हवाले से, और इसी तरह से ये जो एसोसिएशन रूल की एक्सेप्शन है, इन दोनों की मदद से इन दोनों फाइल्स के ऊपर वो अपना जो भी प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के बाद एट द एंड वो ये डिसाइड करते हैं कि ये उन तीन कैटेगरीज में से, जनरल मेलवेयर में से, बॉटनेट में से या बिनाइन ऐप में से, ये किस कैटेगरी में उनके ख्याल में ये फॉल कर रही है, और फिर उसको वो रेलेवेंट क्यू में डाल देते हैं, यानी कि जो जो उनके ख्याल में बॉटनेट होंगी उनकी क्यू बिल्कुल अलग बन रही होती है, जो क्लीन ऐप्स होती हैं उनकी अलग बन रही होती है, और जो जनरल मेलवेयर्स होते हैं उनकी अलग क्यू में या अलग लिस्ट में वो डाल देते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो, जैसा कि हमने बताया कि उनमें से वो दो एरियाज को उठाते हैं, एक तो वो डेक्स बाइट कोड वाली जो फाइल है उसको और एक एंड्रॉयड के मैनिफेस्ट को। तो वो उठाते ऐसे हैं कि अगर ये वाला जो स्क्रीन है इसके अंदर जो परमिशन एंड इंटेंट वाला एरिया है जो कि एंड्रॉयड के मैनिफेस्ट वाली फाइल जो XML फॉर्मेट में होती है वहां से उन्होंने पिक किया है, तो ये उसकी डिफरेंट तरह की परमिशंस को एनालाइज करते हैं कि किस किस कैटेगरी में ये किस किस किस्म की परमिशन मांग रही है रन होने के लिए, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैलकुलेटर है और वो SMS की परमिशन मांग रहा है तो ये एक सस्पिशियस चीज है कि कैलकुलेटर को कैलकुलेशन करने के लिए आपकी SMS की परमिशन या माइक्रोफोन की परमिशन नॉर्मली नहीं चाहिए होती या लोकेशन की परमिशन। तो इस तरह से करके उन्होंने वहां से उस एप्लीकेशन की जो भी सबमिट की गई हो उसकी सारी की सारी परमिशन उठाई, और परमिशन उठाने के बाद उस पर एनालिसिस किया और एनालिसिस करके देखा कि क्या ये परमिशंस ऐसी हैं कि जिनकी मदद से कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हो, और उससे उन्होंने उसका इंटेंट आइडेंटिफाई किया थ्योरेटिकली, मतलब 100% तो जाहिर है शूट शॉट नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसके मुताबिक उन्होंने फिर उसको कैटेगराइज में से उन तीन कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में डाला, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने दूसरे रूल्स, दूसरी वाली साइड के रूल्स से, वो एक मिनट यहाँ आगे आ रहे हैं साइड में करने का आगे पीछे होगी, उसी तरह से उन्होंने जो फीचर वाली साइड की जो डेक्स बाइट कोड का एनालिसिस था वहां से उन्होंने जो नेटिव कोड उठाया उसमें देखा कि ये जो कोड है ये रिफ्लेक्शन के हवाले से तो परफॉर्म नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन बेसिकली जावा की एक टेक्निक है वो यूज कर रहा है, या इसमें कोई क्रिप्टो एल्गोरिदम यूज हुए हुए हैं, या इसमें कोई ऑफिस्केशन ऑफ द कोड का कुछ काम किया गया है, या एक और चीज होती है अक्सर जो मेलवेयर होते हैं ना वो डायनामिक एनालिसिस से बचने के लिए चेक करते हैं कि हम जिस एनवायरमेंट में रन कर रहे हैं वो रियल एनवायरमेंट है या इम्यूलेटेड एनवायरमेंट है। इम्यूलेटेड से मुराद ये कि ये रियल मशीन पे या रियल मोबाइल के ऊपर हम लोग रन हो रहे हैं या किसी इम्यूलेटेड या वर्चुअल मशीन या वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम लोग रन हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जितने भी डायनेमिक एनालिसिस होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई कोड प्रेजेंट हो उस एपीके में कि जो कि ये चेक कर रहा हो कि मैं जो रन हो रहा हूँ एक्चुअल मशीन में रन हो रहा हूँ या किसी इम्यूलेटेड एनवायरनमेंट में रन हो रहा हूँ, तो
इससे शो होता है कि ये हो सकता है कि कोई ये गड़बड़ वाली एप्लीकेशन ना हो, क्योंकि ये वाली चीज ये चेक कर रही है। इसी तरह रूट एक्सेस को कोई अगर एप्लीकेशन चेक करती है, कुछ सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, कोई इनकोडिंग डिकोडिंग कर रही है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है ना, इनको इन्होंने उस नेटिव कोड एनालिसिस के अंदर अच्छे तरीके से चेक किया और उसकी बेस पे स्कोरिंग करते चले गए कि अच्छा अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी ये काम नहीं करना चाह रही ये वाली एपी की, तो उसका मतलब है कि क्लीन होगी, और अगर इसमें से वो जितने ज्यादा फिर ऐसी एक्टिविटीज जो सस्पिशियस एक्टिविटीज है, जितनी ज्यादा वो एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही होगी उतना उसका वो जो है ना उस पर शक बढ़ता चला जाएगा और वो कैंडिडेट बन जाएगी इसको उस वाली क्यू में डालने के लिए जो कि या बॉटनेट की होगी या मलिशियस ऐप वाली होगी। ठीक है, और इसका जो उन्होंने सिस्टम बनाया वो ऐसे बनाया कि जब भी कोई एप्लीकेशन आप उसमें सबमिट करवाते हैं तो ट्राइडॉइड जो है वो उसके अंदर से वो फीचर उठाता है, ठीक है, और उसके बाद वो सबसे पहले बॉटनेट के रूल चेक करता है। अगर बॉटनेट में से एक भी रूल फाउंड हो जाए तो उसको वो उठा के बॉटनेट वाली क्यू में डाल देता है। अगर बॉटनेट वाले रूल में से कोई भी उसके ऊपर अप्लाई ना हो तो फिर वो मेलवेयर वाले रूल चेक होते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी रूल उस पे मतलब मैच हो जाए तो एप्लीकेशन को मेलवेयर वाली क्यू में डाल दिया जाता है, और उसके बाद वो लेजिटिमेट एप्स के रूल्स टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर वो उन दोनों पे मैच नहीं हुआ तो उसको लेजिटिमेट में डाल दें, उसने लेजिटिमेट के लिए अलग रूल्स बनाए हुए हैं। अगर वो रूल कोई मैच होता है तो उसको लेजिटिमेट ऐप में डाला जाता है, अगर ये तीनों में से कोई भी रूल मैच ना हो तो उसको डिफॉल्ट में वो बॉटनेट वाले रूल में डाल देता है जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है। ये उन्होंने फ्यूचर प्रूफिंग वाला काम किया। फ्यूचर प्रूफिंग से क्या मुराद है कि देखिए अगर तो हो सकता है ना कि कोई नया एक्टिविटी कोई नया रूल आ गया हो जो कि फिलहाल हमें नॉन नहीं है, लेकिन कोई हैकिंग करने का एक नया तरीका ईजाद हो गया, तो अब क्या होगा कि वो ऐप मलिशियस होगी, बट चूंकि अभी तक हमारे पास वो रूल ना बॉटनेट के रूल वाली कैटेगरी में है ना ही मेलवेयर वाले रूल की कैटेगरी में है, तो अगर हम सिर्फ वो पहले दोनों रूल चेक करके इसको क्लीन डिक्लेयर कर देते तो फिर तो ये मलिशियस ऐप आगे एज ए क्लीन चली जाती है और फिर ये जाके आगे कोई अपना जो भी इंटेंडेड गड़बड़ है वो कर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, लेजिटिमेट ऐप के लिए भी हम कोई रूल डिफाइन करते हैं, और ऐसी ऐप जो कि इन तीनों रूल्स में से किसी भी मैच ना करें उसको भी हम बॉटनेट वाली कैटेगरी में डालेंगे, उसको जरा एक्सटेंसिवली चेक करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में कोई एक्सप्लॉइट निकलता है जिसका रूल अभी तक हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इवन देन वो जाके फिर बॉटनेट वाली कैटेगरी में ही डलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, तो इस तरह से ये चल रहा होता है। अब यहाँ से अब हमारा जो क्लासिफिकेशन वाली साइट है ना ये स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से मैं माइक शिफ्ट करूंगा मैम सरबत की तरफ। जी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, आवाज तो आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको, मैं शेयर करूँ लेकिन आई थिंक आपकी साइड पर डिस। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है या मैं कर दूं? नहीं हो रही, वैसे काइंडली आप कर दें क्योंकि यहां से डिसेबल हुआ, मुझे यही नोटिफिकेशन आ रहा है। हेलो, जी मैं करने लगूं, जरा होल्ड कीजिए।
बैकर और आप ट्राई करें, शेयर स्क्रीन की परमिशन तो है अवेलेबल आप आपके पास भी, आप जरा ट्राई कीजिए। आप अपनी डिस्कनेक्ट करेंगे तो तब देरी होगी। नहीं, आप डिस्कनेक्ट करें। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी मैं रिकॉर्डिंग से ही स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आई होप सो कि आप सबको अभी प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या और इसका सोल्यूशन की तरफ क्योंकि मैं मूव करना चाह रही हूँ। वो फैसल आप बेसिक इनके बीच में क्वेश्चन ले लें अगर प्रॉब्लम इनको क्लियर है। नहीं पता, अभी क्लियर ही होगी, क्वेश्चन एंड में लेंगे वरना सेशन भी डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद फिर दोबारा से ज्वाइन करवाना पड़ेगा, तो अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में गए तो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं स्टार्ट सॉल्यूशन से करती हूँ। हमने ट्राइड्राइड को बेसिकली एक सैंडबॉक्स ही लिया है। हमारे पास तीन तरह की क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है जो कि सुपरवाइज लर्निंग में हमने डिफाइन की हुई है। एक जर्नल है, बॉटनेट है और बिनाइन गैप्स है। बिनाइन एक्चुअली वही एप्लीकेशन होती है जो लेजिटिमेट होती है, जो रियल एप्लीकेशन होती है। हमने उसको किसी भी जो इसने अपने ट्राइड्राइड का जो सैंडबॉक्स है उससे पास किया और उसको एक्सट्रैक्ट किया है, उसके कोड फाइल को भी और उसकी मैनिफेस्ट से भी। फर्दर उसकी उसने प्री प्रोसेसिंग की है, फीचर सिलेक्शन की है। मैनिफेस्ट फाइल से उसने जो एक्सट्रैक्ट किए हैं इसके कोर्स ग्रेन एक्सट्रैक्ट फीचर्स किए हैं जो कि प्री प्रोसेसिंग के लिए उसने यूज किए हैं। इसकी बेसिस पे उसने एसोसिएशन रूल बिल्ड किया। एसोसिएशन रूल बेसिकली आपके डाटा को माइन करने के लिए यूज हो रहा होता है। आपको कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो इफ एल्स की कंडीशन में आप दे रहे होते हैं कि अगर इस टाइप की परमिशन है और कंबाइनली सेट्स के साथ तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर रही। दूसरी जो फीचर सिलेक्शन इसने की थी वो फाइन ग्रेन की थी, वो ऑन द बेसिस ऑफ कोड की थी। कोड की कुछ ऐसी सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आपके उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ये डिक्लेयर करती हैं कि ये एप्लीकेशन मलिशियस है या नॉन मलिशियस है। प्रॉब्लम एक्चुअली थी यही कि प्ले स्टोर से ये बताता है कि ये एप्लीकेशन मलिशियस है या नहीं मलिशियस, उसकी कैटेगरी या उसकी क्लास नहीं बताता है कि वो किस क्लास में फॉलो कर रही है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये वाला मॉडल। अच्छा, फैसल आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे? जाएंगे आपकी स्क्रीन शेयर है, आपने जाना है। पहले उसने फीचर सिलेक्शन के लिए जो फीचर्स उठाए हैं वो परमिशन उठाई हैं, उनकी बेसिस उसने कुछ क्लासिफिकेशन के लिए रूल सेट्स कर दिए हैं जिनकी बेसिस पे वो ये कैटेगराइज कर रहा है कि ये मेलवेयर एंड्रॉइड का किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। बेसिकली एक रॉ डाटा की फॉर्म में आ जाएंगे जिसमें ये डिटेल्ड होगी परमिशंस की, उनकी बेसिस पे उसने कुछ सेट्स बनाएगा जिनकी बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस क्लास पे। जो दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्यूचर, उसने डिटेल जो फीचर लिया है ये प्री प्रोसेसिंग की मैं बात कर रही हूँ अभी, इसमें उसने ले लिया है फाइन ग्रेन फीचर्स को।
ये बेसिकली मेरे कोड के फीचर्स हैं जिसमें ऑब्फस्केशन होती है, रूट एक्सेस हो जाता है और इम्यूलेटर डिटेक्शन वगैरह. नॉर्मली जो मेलवेयर डिटेक्शन मेलवेयर वाली एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती हैं वो रूटेड फोन्स पे भी नहीं चलती, रूट उनको डिटेक्ट कर लेता है, एम्यूलेटर भी इसको आइडेंटिफाई कर लेता है. ऑब्फस्केशन होती है तो हम लोग उसको फर्दर आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोड ऑलरेडी ऑब्फस्केटेड हुआ होता है. तो उनकी बेसिस पे उसने कुछ फीचर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लिए. फाइन ग्रेन फीचर्स और कोर्स के इनको उसने एंड पे कंबाइनली यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन किया. हम अपने मॉडल को खुद बताते हैं कि क्योंकि मॉडल तो हमारा सिंपली एक मशीन है, उसको ट्रेन करके बताते हैं कि भाई हमारे ये फीचर्स हैं, इसके अगेंस्ट ये रिजल्ट हमें चाहिए. क्लासेस तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको बता दिए कि तीन तरह की है, लेकिन उनके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ रूल सेट किए हैं कि वो उनको उस कैटेगरी में ही ले. जब तक आप मशीन को नहीं बताएंगे वो मशीन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती. उसके लिए हमने इन दोनों फीचर्स को कंबाइन किया है और अपने जो डिफाइन एक मॉडल है उस पर ट्रेन किया है. उसके लिए हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं. जब भी आप किसी भी मॉडल में क्लासिफायर्स को कह रही हो आगे, आप अपना इनपुट डाटा देते हो तो वो हमेशा वन और जीरो की फॉर्म में होता है. वो कभी भी, अभी आपने पीछे डाटा देखा है टेक्स्ट की फॉर्म में. हम इसको फीचर सिलेक्शन के बाद, प्री प्रोसेसिंग के बाद हम इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, जिसको वन और जीरो की फॉर्म में हम रखते हैं. अगर तो वो फीचर प्रेजेंट है जो ऑलरेडी इनमें है तो हम उसको वन कहेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो जीरो कहेंगे. उसके बाद हम इसको अपने को दे देंगे जो ML के हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. इसने जो ट्रेन मॉडल इसमें यूज किए हैं वो डिसीजन ट्री, KNN, SVM, वेक्टर सपोर्ट मशीन, रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, UDA, और ये बेसिकली सारे क्लासिफायर है सुपरवाइज लर्निंग के. हमने अपने डाटा को इनमें से पास किया है, उनकी बेसिस पे हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी है कि हमारा डाटा इनमें किस मॉडल के लिए एक्यूरेट है और उसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है ताकि फ्यूचर में हम वही यूज कर सकें. इस सोल्यूशन में उसने इन एल्गोरिदम्स पे इस डाटा डेटा सेट की तरफ मैं आती हूँ. डेटा सेट में बेसिकली हमारे पास है जो डेटा सेट इस पेपर में यूज किया है इस इम्प्लीमेंटेशन में ADM का एंड्रॉइड मेलवेयर डिटेक्शन. ये एक ओपन सोर्स डेटा सेट इसने मेलवेयर का लिया था जो कि 71 फैमिली से इसमें मेलवेयर ही था, लेकिन फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर डिफरेंट हो सकती हैं आपकी. उसने 2010 से 16 का डाटा सेट उठाया. उसमें हमारे पास बॉटनेट था और जनरल मेलवेयर था. बॉटनेट वो होता है जो आपकी रिमोटली आपकी डिवाइस से चीज़ें उठा लेता है और आपको सर्विस को डिसकनेक्ट कर देता है, अपने किसी CNC सर्वर पे आपकी ये डाटा को अपलोड कर देता है. जनरल मेलवेयर नॉर्मल टाइप का होता है, उसकी प्योरिटी इतनी हाई नहीं होती है, इतना हाई रिस्क नहीं होता जितना बॉटनेट का होता है. ये दो तरह की क्लासेस इसने ये सैंपल इस डाटा सेट से उठाए. तीसरी जो बिनाइंग एप्स जो उसने उठाई वो प्ले स्टोर से उठाई, ऑफिशियल प्ले स्टोर से 3000 एप्लीकेशन उठाई. अब जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट मॉडल्स की तो उस केस में हमारे पास डाटा सेट की बैलेंस होना बहुत जरूरी है. आप उनको अगर तीन क्लासेस को किसी क्लासिफायर से पास कर रहे हो तो उन तीनों का साइज हमारे पास सेम होना चाहिए क्योंकि हमने उसकी एक्यूरेसी देखनी है और क्लासिफायर की कितना एक्यूरेट और कितने उसकी परफॉर्मेंस बेटर है. इसको बैलेंस करने के लिए मैंने जनरल मेलवेयर जो इसने चूज किए 1500 सैंपल उठाए, बॉटनेट की भी 1500 और बिनाइन एप्स और लेजिमेटेड एप्स को 1500 उठाए. टोटल सैंपल उसने जो यूज किया है 4500 सैंपल. ये वो 71 फैमिलीज हैं. उसका नियम
इस तरह है कि अभी एक मिनट के बाद ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो इसको ना हम दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आप दे रही होंगी प्रेजेंटेशन तो ड्यूरिंग उसके ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से लिंक शेयर करते हैं और फिर आप वहां से कंटिन्यू कर लेंगे।